इस वक्त हम रवाना हो रहे हैं फायर टेम्पल ऑफ बाकू के लिए, जिसको आतिशगाह भी कहा जाता है। और ये जगह सिटी सेंटर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है। ये जगह सूरनाई विलेज के करीब वाक़े है। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं फायर टेम्पल ऑफ बाकू। और ये जो लाइन से आप देख रहे हैं शॉप्स, ये सब सुविनियर की शॉप्स हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड जितने भी सुविनियर्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, और लोग जोग दर जोग तमाम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सुविनियर लेके जाते हैं। सामने ये जो जगह है ये किला टाइप ओपन एयर म्यूज़ियम भी है, और इसी जगह पर लोग तिजारत के लिए आते थे और यहाँ ठहरते थे और इबादत करते थे। अब हम जा रहे हैं फायर टेम्पल की तरफ, जिसको आतिशगाह भी कहते हैं। यहाँ की तारीख बहुत दिलचस्प और तवील है। यहाँ पर हिंदू सिख और आतिश परस्त इबादत करते थे, और जो लोग यहाँ तिजारत के लिए आते थे और वो यहाँ पर ही इबादत करते थे। ये है असल आतिशगाह, जिसके चार दरवाजे हैं और बीच में जो आग जल रही है वो हज़ारों साल पहले 17 या 18 सेंचुरी में ये अचानक नमूदार हुई, और उसके बाद ये आग लगी रही और लोगों ने इसको फिर टेम्पल की शक्ल दिया। और इस जगह इबादत वो इसी वजह से करते थे और वो आतिश परस्त कहलाते थे। इस जगह को 1998 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया गया है। अब हम जा रहे हैं उस म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ छोटे छोटे रूम बने हुए हैं जहाँ पर यहाँ की हिस्ट्री आविज़ा हैं। ये एक छोटा रूम है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ की हिस्ट्री पूरी यहाँ पर लिखी हुई है।
के मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर लोग आते थे और किस तरह से यहाँ रहते थे और किस तरह से इबादत करते थे, ये सारी हिस्ट्री आवेज़ा है। बाकू क्योंकि ऑयल रिच सिटी है तो ये ऑयल्स का भी इन्होंने यहाँ डेमो किया हुआ है। ये बताया गया है कि किस तरह से लोग आतिशपरस्त इबादत करते थे, इस म्यूजियम की शक्ल में बताया गया है और ये एक टेंपल की शक्ल दी हुई है और बताया गया है कि ये लोग देखें इस तरह से पहले ज़माने में लोग हज़ारों साल पहले और ये मुख्तलिफ अदवार में ये सब टेंपल की शक्ल तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ अवकात में ली गई हैं और यहाँ आवेज़ा की गई हैं। ये हिंदुओं की इबादत गाह है और इसको गणेश जी कहलाते हैं और हिंदू इसकी इबादत करते थे यहाँ पर आकर, और यहाँ पर सिखों की भी इबादत होती थी। But Zoroastrian, they have only one God. Why? One God, Ahura Mazda, same like in Islam. Like we have Allah, they had only one Ahura Mazda. And actually, Zoroastrians and Arabs, they agreed about that. और ये दिखाया गया है कि हिंदू किस तरह से ये इबादत किया करते थे। और जो लोग तिजारत के लिए यहाँ आते थे वो इस तरह से अपने घोड़े को बांधते थे और तिजारत के लिए आने वाले लोग इस तरह से बैठकर अपने माल को बेचा करते थे। और ये दिखाया गया है कि मुजरिम को किस तरह से पनिशमेंट दी जाती थी और ये वो उस दौर की चीज़ें हैं। और ये बताया गया है कि उस दौर में मुर्दों को किस तरह से जलाया जाता था या उनकी रसूमात को अदा किया जाता था, और ये सब रसूमात हैं जो उस ज़माने में मरने के बाद अदा की जाती थी।